तो दोस्तों हमारे पास क्रीम कलर का पहले से कलर बचा हुआ था और हमने क्रीम कलर को फास्ट येलो ग्रीन मिक्स करके बिल्कुल पैरेट ग्रीन कलर तैयार कर लिया है। अब इसको दीवार पे हम कहीं भी लगा सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन कलर ही आएगा। दोस्तों जब भी लाइट कलर बचा होता है तो उसमें डार्क ही हो सकता है, और डार्क कलर अगर बचा होगा तो उसमें व्हाइट माल मिक्स करके उसको लाइट कलर बना करके इस तरह से कलर का यूज किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं पप्पू पेंटर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों कभी कभी पेंटिंग के लाइन में हमने बहुत बार देखा है कि कलर बहुत सारा बना बनाया हुआ कलर बच जाता है और उस बचे हुए कलर का कोई यूज नहीं होता है कहीं पे भी, तो उसको हमको यूज कैसे करना है इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो हमारे पास बचा हुआ है कलर जो कि बाहरी दीवारों में हमने लगाया और कुछ कलर बच गया है, लगभग एक रूम के कितना कलर बचा हुआ है, तो उस रूम को हम दूसरे कलर में कैसे बदलें और उसको दूसरे कलर में बदल करके फिर से उस कलर को रीयूज करें ताकि वो कलर वेस्ट ना जाए, और यही सब जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। दोस्तों एक निवेदन करता हूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो वॉल पेंटिंग से जुड़ी वीडियो देखने के लिए, जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक लास्ट में कर जाइएगा। और अभी के लिए फिलहाल चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। और ये हमारा बचा हुआ कलर है जो कि दिखाई दीजिए कलर, ये बचा हुआ कलर है, यही हमारा कलर बचा हुआ है। अब इस कलर को हम दूसरा कलर बनाएंगे, इसको यूज करने के लिए इसमें हम फास्ट येलो ग्रीन मिक्स करेंगे और इसी को हम दूसरे जगह लगाएंगे। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है बचे हुए कलर को रीयूज करना। तो ये देखिए हमारा है एशियन पेंट्स का फास्ट येलो ग्रीन स्टेनर, जो कि यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसको अच्छी तरीके से पहले हिलाना पड़ता है क्योंकि वो मार दुकान पे रखे रखे नीचे की तरह जम जाता है, तो अच्छी तरीके से हिला लेने से उसका कलर पूरा अच्छे तरीके से आ जाता है। और सबसे पहले हमको बचे हुए कलर को दूसरे कलर बनाने के लिए सबसे पहले सावधानी बरतनी पड़ती है कि थोड़ा थोड़ा ही स्टेनर डाल करके मिक्स करें, पूरा एक साथ स्टेनर नहीं डालना है, नहीं तो कलर चेंज भी हो सकता है। तो जो कि क्रीम कलर है तो इसमें हम फास्ट येलो ग्रीन या फिर ऑरेंज या ब्लू ये सब कलर बना सकते हैं, और इसमें एक जितना लाइट कलर था कि इसमें हम डार्क कलर आसानी से बना सकते हैं। और अगर कभी हमारे पास डार्क कलर बच गया हो तो उसको फेंके नहीं, उसमें वाइट पेंट मिक्स करें और थोड़ा सा उसमें डार्क कलर जितना डार्क बचा हो और उससे दोगुना तीन गुना वाइट पेंट मिक्स करके उसको फिर से यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत